नमस्कार स्वागत जानाइछो दि कस करेन्टले आरु स्टुडिओत मय नव गगोई ए मुहूर्त दिब बिचारिछो देखर राजनीतिर एटा डांगर खबर दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालर दरे नटंकी बाजी करा मानुह आरु कतु नाय केजरीवाले नटंकी करि आछे ए मन्तव्य प्रदान करिछे मध्य प्रदेशर बिजेपी मंत्री नरोत्तम मिश्राय आरु केजरीवालर बिरुद्धे हरब होइ परिछे नरोत्तम मिश्र केजरीवालर लगते कांग्रेसको तीव्र कटाक्ष करा देखिबले पोवा गैछे नरोत्तम मिश्रय आरु एनेदरे केजरीवालर बिरुद्धे हरब होइ परिछे एइगराकी मध्य प्रदेशर बिजेपिर मंत्री नरोत्तम मिश्र जनाइछो अभिषेक दिकसकान्त दर्शक सकलक ए मुहूर्तत जे केजरीवालर निचिना नाट्यकार तथा नटंकी बाजी करा मानु द्वितीयजन आरु देखत नाय दिल्ली राइजे केजरीवालक ভালকৈ চিনি পাইছে এই মন্তব্য প্রদান কৰিছে মধ্য প্ৰদেশৰ বিজেপিৰ নেতা নৰোত্তম মিশ্ৰয়ে দিল্লীবাসীয়ে এতিয়া কেজৰিৱালক বিশ্বাস নকৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে তেখেতে আৰু কংগ্ৰেছে কেতিয়াও সত্যৰ পথত নাই এবাৰ কংগ্ৰেছকো কটাক্ষ কৰিছে নৰোত্তম মিশ্ৰয় কংগ্ৰেছে আজিলৈকে মাত্ৰ লেতেৰা ৰাজনীতি কৰি আছে বা তুচ্ছ ৰাজনীতি কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে বিৰোধীৰ বিৰুদ্ধে হৰব মধ্য প্ৰদেশৰ মন্ত্ৰী নৰোত্তম মিশ্ৰ अरविंद केजरीवाल विरुद्धे हरब हो मध्य प्रदेश मंत्री नरोत्तम मिश्र अरविंद केजरीवाले जी समूह काम कर देशर राजनीतिक लो जी काम कर नटंकी आख्या नरोत्तम मिश्र केजरीवाल दरे नटंकी बाजी कर मानु और कतो ना उल्लेख कर देश केजरीवाले नटंकी करि আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে এই গৰাকী মধ্য প্ৰদেশৰ বিজেপিৰ নেতা নৰোত্তম মিশ্ৰয় লগতে কংগ্ৰেছকো তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ স্থিতি নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে নৰোত্তম মিশ্ৰয় এনেদৰে বিৰোধীৰ পক্ষে এটা হৰব হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নৰোত্তম মিশ্ৰ কি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ সন্দৰ্ভত আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সন্দৰ্ভত নৰোত্তম মিশ্ৰয় এই মুহূৰ্তত আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো केजरीवाल जी से बड़ा नौटंकीबाज आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, देश की तो बात ही अलग है। एक तरफ गुहार लगा रहे थे कि मोदी जी हमें सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे और दूसरी पार जनता को जाकर के इस तरह का स्वांग रच रहे थे। अब दिल्ली की जनता उन्हें समझ गई है कि ये जो भ्रम फैला के राजनीति करते हैं अब ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है और अब केजरीवाल एक्सपोज हो गए। देश के बंटवारे के वक्त जिस पार्टी ने आग लगाई, 84 के दंगों में जिन्होंने सिखों के गले में टाई डालकर उन्हें जलाया, अगर ये लोग निक्कर में आग लगा रहे हैं तो इसमें अचंभा कैसा है। 72 सालों तक कश्मीर सुलगता रहा, कौन था पीछे? पूर्वोत्तर के राज्य थे, उनके अंदर राजनीतिक रोटियां अशांति फैला के खेलते रहे, ये कौन था? कांग्रेस। पंजाब के अंदर आतंकी गतिविधियां चलाने वाले, स्वर्ण मंदिर पर प्रहार करने वाले कौन थे? कांग्रेस। दाऊद जैसे आतंकियों को पालने वाली कौन है? तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले देश में कौन है? ये कांग्रेस है। अगर ये निकर पे आग लगा के अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं तो ये इनकी प्रवृत्ति और इनसे उम्मीद क्या की जा सकती है। देखो, केजरीवाल जी से बड़ा नौटंकीबाज आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, देश की तो बात ही अलग है। एक तरफ गुहार लगा रहे थे कि मोदी जी हमें सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे और दूसरी पार जनता को जाकर के इस तरह का स्वांग रच रहे थे।